ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। पेट्रोल पंप व्यापारी की लूट करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नमस्कार, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24 सच की आवाज। खबर मध्य प्रदेश के विंड से है, जहां जिला पुलिस अधीक्षक मनोज सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव कंचन के निर्देशानुसार जिले भर में अपराधियों की धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सारे थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि जुआ सट्टा, अवैध शराब समेत जैसे मादक पदार्थों की बिक्री करने वाले लोगों को बख्शा न जाए और समाज के अंदर असामाजिक तत्वों के द्वारा किए जा रहे अपराधों पर तत्काल कार्यवाही हो। शहर थाना प्रभारी उदयभान सिंह यादव के द्वारा 20 तारीख की दरमियानी रात को हुई पेट्रोल पंप व्यापारी चक्रेश जैन, राम कुमार जैन को अवैध कट्टा लगाकर लूट करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर व्यापारियों में भय का वातावरण बन रहा है। थौसिटी कोतवाली थाना प्रभारी के द्वारा आरोपियों को पकड़ना एक चैलेंज था, क्योंकि आरोपी मुंह बांधे हुए थे और अज्ञात आरोपी थे, जिनके बारे में जानकारी जुटाई गई। व्यापारियों से जुड़े मुद्दे के कारण जिला पुलिस अधीक्षक मनोज सिंह के दिशा निर्देशन में टीम का गठन किया गया और 48 घंटे में लूट का खुलासा कर दिया गया। पेट्रोल पंप पर नौकरी करने वाले एक कर्मचारी ने ही असामाजिक तत्वों के साथ सारी कहानी रची थी, जिसको आरोपी के द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया। स्कूटी की डिग्गी में रखे नगद रुपए भी बरामद कर लिए गए हैं। गिरफ्तार हुए आरोपियों में रमेश गर्ग पिता राम प्रकाश जाटव, दिनेश और पिंटा पिता लाखाराम, रोहित पिता जयराम बरेठा, अशोक पिता श्री राम जाटव निवासी भीमनगर कुमरऊआ के रहने वाले हैं। एक व्यापारी मोनू उर्फ मनीष फरार है, जिसको पुलिस बहुत जल्द गिरफ्तार कर लेगी। लूट का खुलासा करने वाली टीम को पुरस्कृत भी किया गया है। प्राइम न्यूज 24 के लिए इमरान अली खान की रिपोर्ट। बता सर, एक लूट की घटना शहर में हुई थी, जहां सुभाष तिराहे से एक स्कूटी को लेकर और करीबन 2 लाख रुपए की लूट हुई थी। ये क्या घटना है, क्या मामला है, कितने लोग इसमें आरोपी बने? लूट इसमें 1,02,000 की हुई थी, 2 लाख की नहीं हुई थी जी। उसमें ये है कि लश्कर रोड पे जो पेट्रोल पंप है सुभाष तिराहे के पास, वहाँ चक्रेश जैन जो है उनका पेट्रोल पंप है, वो हर रोज़ की तरह अपना जो कनेक्शन है, जो पैसा इकट्ठा होता है पेट्रोल डीजल का, उसको बैंक में ले जाते हैं, छुट्टी के दिन अपने घर ले जाते हैं जी। उस दिन छुट्टी थी जी, संडे था, तो वो सुबह 8 बजे से 4 बजे का तो एक ट्रिप में रखाए थे जी। फिर वो लाते हैं शाम को 8 बजे करीब, वो रहता है 5 से 8 का, तो करीब 1,02,000 रुपया था। वहाँ से स्कूटी से लेके चले थे, बैग में रख के, तो उनके ही घर के पास आके एक 4 बदमाशों ने कट्टा की नोक पे स्कूटी लूट ले गए। यानी कि उनको पता था कि स्कूटी में पैसा है जी। और सेठ जी को जैसे कट्टा दिखाया तो वो स्कूटी छोड़ के भाग लिए, तो वो स्कूटी लेके फिर चोर भाग लिए। तो इसमें चूँकि चारों तरफ पता सजा करने के बाद में जब कोई पता नहीं लग रहा था, तो एक बात को विशेषकर एसपी साहब ने हम एक मीटिंग लेके समझाया कि आरोपी सेठ के पीछे नहीं पड़े, इसका मतलब उनको मालूम है कि स्कूटी में पैसा है जी। स्कूटी में पैसा है तो यह जानकारी किसको है, इस पॉइंट पर जांच करिए। तो उसी पॉइंट को लेके हमने पेट्रोल पंप से कर्मचारियों को खंगाला, तो उसमें रमेश जाटव नाम का जो है उसकी पूरी सीआईडी थी। वो कर्मचारी है करीब 2 साल से, उसने रैकी कराई थी एक दिन पहले जी। और उन लड़कों को रास्ते पर लगा रखा था वहाँ पेट्रोल पंप से आगे, जैसे सेठ जी निकले हैं पीछे आए हैं और घर के पास, जहाँ घर के पास इसलिए कि वो जो गली है वो उधर सुनसान हो जाता है जी। बकाया पेट्रोल पंप से लेके आपके बैंक तक, धनमंत्री के कोने तक चैल पैर रहती है 9 बजे जी। ये 9:30 बजे की घटना है, लूट ले गए थे जिन्हें सबको घेर घार के पकड़ लिया है, बरामदगी की जा रही है। एक आरोपी बटाला करके कुछ ऐसा है नाम उसका, वो रह गया।